Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss weight loss tips for BPO and call center employees. Let's roll this. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. All right, so मेरे बहुत सारे friends BPO and call centers में job करते हैं. ग्रेवयार्ड शिफ्ट, बैड लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से ज़्यादातर लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट गेन करके रखा है. वेट गेन के साथ साथ उन्हें काफ़ी सारी डिजीजेज भी हो रखी है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड एंड हार्ट डिजीज. तो आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और आप BPO या फिर कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो आप वेट लॉस के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड. टिप नंबर 1, कंप्लीट योर स्लीप साइकिल. ज्यादातर जो BPO एंड कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज रहते हैं वो ग्रेवयार्ड शिफ्ट करते हैं. रात भर काम करने के बाद मॉर्निंग में जैसे तैसे सो जाते हैं, अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं करते. और स्लीप साइकिल कंप्लीट करना आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए 6 से 8 घंटे का डीप स्लीप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब भी आप सोते हैं उसके 5 घंटे पहले आपको कैफीन का इंटेक नहीं करना है, बिकॉज कॉल सेंटर और BPO में कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा कल्चर है. हर 1-2 घंटे में वो कॉफ़ी पीते रहते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके. इसलिए 5 घंटे पहले आपको कोई भी कैफीन का इंटेक नहीं करना है, जिससे आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी. और घर आने के बाद सारे लाइट्स बंद करके, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर होकर आपको अच्छे से स्लीप कंप्लीट करनी है. और स्लीप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसको देख के आप डीप स्लीप कैसे करें उसके बारे में सीख सकते हैं. टिप नंबर 2, कोई से भी फिजिकल एक्टिविटीज को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए, जैसे कि जिम, योगा, जुम्बा, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं. तो 24 घंटे में से आपको 45-60 मिनट्स निकालने हैं, बिकॉज वर्कआउट करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी. बिकॉज ज़्यादातर BPO एंड कॉल सेंटर के एम्प्लॉय जो रहते हैं वो बैठे बैठे काम करते हैं और उनकी बॉडी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाती है, और इस वजह से वो वेट गेन करते हैं एंड इन फ्यूचर उन्हें काफ़ी सारे डिजीजेस आती है. तो कोई से भी फिजिकल एक्टिविटी को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए जिससे आप ज़्यादा एक्टिव रह सकें. टिप नंबर 3, प्लान योर मील्स. ज़्यादातर जो BPO एंड कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज रहते हैं वो जंक फूड और शुगरी फूड पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं. कैफेटेरिया में जो भी बन जाए आग बंद करके उसको खा लेते हैं, कभी भी उसका न्यूट्रिशन वैल्यू चेक नहीं करते. और कैफेटेरिया में ज़्यादातर जंक फूड और शुगरी फूड ही मिलता है. तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो अपने मील्स को पहले से प्रिपेयर करना है और प्लान भी करना है, जिससे जल्दी जल्दी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं. बिकॉज वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा. कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ी कैलोरीज कम खाना. बिकॉज जब आप कम कैलोरीज में ज़्यादा काम करेंगे तभी जाके आपका वेट लॉस हो सकता है. और स्पेशली ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज रहते हैं डिस्पेंसर मशीन से बहुत सारे कॉफ़ी एंड टी का कंजम्पशन करते हैं, जिसमें भर भर के शुगर होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी है और क्लीन ईटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. टिप नंबर 4, अवॉइड वीकेंड पार्टीज. ज़्यादातर जो BPO एंड कॉल सेंटर एम्प्लॉयज रहते हैं हफ्ते भर काम करने के बाद वीकेंड पे जम के पार्टी करते हैं, और पार्टी में वो अल्कोहल एंड जंक फूड का कंजम्पशन करते हैं. अल्कोहल हाई इन कैलोरी होता है और 48 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहता है, और इन 48 आवर्स में आपकी बॉडी फैट लॉस या फिर मसल बिल्ड का जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भूल जाती है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी मत करिए, लेकिन 2-3 महीने में एक बार पार्टी आपको करना चाहिए और मिनिमम अल्कोहल का कंजम्पशन करना चाहिए, जिससे जल्दी जल्दी आप फिट हो सके. टिप नंबर 5, मेडिटेट बिफोर स्लीप. ज़्यादातर जो BPO एंड कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो दिन में ही अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट करते हैं, और रात भर काम करने के बाद और कैफीन का ज़्यादा इंटेक करने के बाद उनको अच्छे से नींद नहीं आती. इसलिए उनका जो मेंटल हेल्थ रहता है वो प्रॉपर नहीं रहता है. इसलिए सोने के पहले 10 से 15 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपको डीप स्लीप लगे. मेडिटेशन के ऊपर मैंने डिटेलिंग में एक वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसको देख के आप मेडिटेशन कैसे करना वो सीख सकते हैं. और अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल विल बी ऑसम. टिप नंबर 6, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान. अगर आपको जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान को अगर सिंपल तरीके से समझाओ तो 24 घंटे में से आपका 16 घंटे फास्ट रखना है और 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो रहेगा. जैसे मॉर्निंग 7 o'clock आप घर आते हैं तो पहला मील आपको 2 बजे लेना है, दूसरा मील आपको 5 बजे के अराउंड लेना है, शाम को कोई से भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, और रात को 9 बजे आपका लास्ट मील रहेगा. रात को 9 बजे से लेकर दूसरे दिन के 2 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना, तो 16 आवर्स का फास्ट रहेगा.
और 2 बजे से लेकर 9 बजे तक आप 2 या 3 मील ले सकते हैं, जिससे आपको इफेक्टिव वेट लॉस मिलेगा। मैं पिछले कई सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है और साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इससे आपका जल्दी जल्दी वेट लॉस होगा, साथ ही में आपका मेटाबोलिज्म भी बूस्टेड रहेगा। टिप नंबर 7, स्विच योर शिफ्ट। अगर आपके बीपीओ या फिर कॉल सेंटर में अपने शिफ्ट को स्विच करने का चांस है तो वो ज़रूर करिएगा। जैसे मंथ में 4 हफ्ते रहते हैं तो 1 हफ्ता आप नाइट शिफ्ट करिए, 1 हफ्ता आप डे शिफ्ट करिए, अगेन आप नाइट शिफ्ट करिए और फिर से डे शिफ्ट करिए, जिससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रहेगी। बिकॉज अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो रात का स्लीप साइकिल कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये फैसिलिटी आपके कॉल सेंटर या फिर बीपीओ में है तो ज़रूर उसको अपनाइए, जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। टिप नंबर 8, आपको कुछ सप्लीमेंट्स पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज बीपीओ एंड कॉल सेंटर की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी एंड हेटिक रहती है और इस रीज़न के कारण आप अपने मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, और मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी होना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा सा वे प्रोटीन, एक मल्टीवाइटामिन, एक ओमेगा 3 में आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कुछ अच्छे मल्टीवाइटामिन, ओमेगा 3 एंड वे प्रोटीन के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है तो वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने जॉब को स्विच करने की कोशिश करिए। बिकॉज लंबे समय तक अगर आपने नाइट शिफ्ट किया तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कॉल सेंटर एंड बीपीओ में हैं, लंबे समय तक उन्होंने नाइट शिफ्ट किया और अब जाके उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। लाइफ में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। Hope you like this video. If it did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping. Stay blessed.